वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक निश्चित अवधि पूरा करने के बाद सभी ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस दौरान वह अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। न्याय के देवता शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। सभी ग्रह में शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि ही एकलौते ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देते हैं। इतना ही नहीं, शनिदेव एक ही राशि में लगभग 2.5 साल विराजमान रहते हैं। उस दौरान वह समय समय पर नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव 18 अगस्त को रात्रि लगभग 10:03 पर पूर्व भाद्रपद के प्रथम पद में प्रवेश करेंगे और 3 अक्टूबर तक इसी पद में विराजमान रहेंगे, जिसका प्रभाव कई राशि के जातक पर देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं हो उस राशि में शामिल। शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से 3 राशि के जातक की किस्मत बदल सकती है, जिसमें मिथुन, कुंभ और तुला राशि के जातक शामिल हैं।